वेलकम टू प्रो टिप्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आशीष और नीरज जी की टीम लेके आइएगा, वहां पे देखते हैं आज तालमेल क्या है, वहां पे स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन क्या है इन अर्निंग्स के बीच में। राजेश जी, आपके स्क्रीन पर आप देखें तो यहाँ पर अभी एसएक्स निफ्टी सेटल नहीं हुआ है, बट ये आशीष की टीम है, कोल इंडिया, नालको मोबाइल, बाटा की स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स, टोरेंट फार्मा, ऐसा इंडिया ग्लासेस, देव इन्फॉर्मेशन और आईओबी और सेंट्रल बैंक है, कुछ सरकारी बैंक भी शामिल किए हैं। अब लेके आइए आप नीरज जी की टीम, वहाँ पर अगर आप देखेंगे कॉम्बिनेशन को देखते हैं क्या पर है, वहाँ पर है ये रही टीम आपके स्क्रीन पर। आज नीरज जी अगर आप देखें बटोर की, अगर आप देखें पूरी की पूरी सेल कॉल लाइन, शेल्बी, एफटीसी, अपोलो हॉस्पिटल्स, फोर्टिस हेल्थ केयर, सारे हॉस्पिटल्स को बेच रखा है उन्होंने, आईटीआई बाय है, गुड क्यूफोर परफॉर्मेंस के चलते, और बाकी प्राच और त्रिवेणी दोनों ही अगर आप देखें सेल साइड पे। राजेश जी, क्या अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पे बेचने और खरीदने के लिए? वीरेंद्र जी, देखिए आशीष जी की टीम में तो जो सबसे बढ़िया है वो कोल इंडिया, जिसके रिजल्ट भी अच्छा है, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे सिर्फ मेंशन करना चाहूंगा, अगर ये खुलता है 10% तो यहाँ पे जूस जो है वो निकल जाएगा, जो बीटीएसटी वाले थे वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, बट स्टिल टारगेट क्या होगा, मुझे लगता है 195 to 200, ये कोल इंडिया का एक टारगेट का रेंज है जो मुझे लगता है कि खुलते ही प्रोबेबली हिट होगा। सो कोल इंडिया ही रडार पे है, अगर नीचे खुलेगा तो बाय करना चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस होगा इसका 182 का, कल का क्लोज है। और नीरज जी की टीम में देखिए जो मुझे लगता है कि सबसे वीकेस्ट कंटेंडर, क्योंकि नीरज जी ने सेल साइड के कैंडिडेट्स अच्छे चुने हैं, तो यहाँ पे जो ब्रेकडाउन हुआ है वो है प्राज इंडस्ट्रीज में, एक सीरियस ब्रेकडाउन आप कह सकते हैं कि पुल बैक के बाद अगर कोई ब्रेकडाउन आता है तो जनरली फॉलो थ्रू मिलता है, तो यहाँ पे और सेलिंग होगी क्योंकि दिस इज अ कैश बेस्ड स्टॉक, तो आपको स्टॉप लॉस रखना है 320 का और 285 to 290 का इसका टारगेट होता है, 290 से 285 का इसका मुझे लगता है यहाँ तक का फॉल प्राज इंडस्ट्रीज में अभी पेंडिंग है। सो नीरज जी की टीम में सेल प्राज, और आशीष जी की टीम में कोल इंडिया बाय, लेकिन टारगेट होगा 1।